Bullets in India. Introduction to C language, जो chapter number 8 है, ICS class है, उसका आज second lecture है, और उसमें discuss करते हैं हम लोग question, difference between low level और high level languages में difference देखते हैं, क्या difference है. तो point wise इसको हम देखेंगे. इसमें देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न. डेफिनेटली ये इसके बारे में बता चुका हूँ आपको. इजी टू लर्न क्यों है? इसीलिए क्योंकि इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, और उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, और क्योंकि ये नंबर सिस्टम होते हैं इसमें. उसके बाद है, दीज आर नियर टू ह्यूमन बींग लैंग्वेज. यानी वुमेन लैंग्वेज के डेफिनेटली जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हैं तकरीबन सेम वही चीज़ होती है, इसलिए इसको समझना जो है बहुत आसान है. उसके बाद है कि दीज आर फार फ्रॉम वुमेन बींग्स. यानी डेफिनेटली वुमेन जो लैंग्वेज है मुश्किल है, इसमें 01 की लैंग्वेज है, इसलिए समझना मुश्किल है. उसके बाद है, प्रोग्राम्स आर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन, और जबकि लो लेवल में इसमें फास्ट होती है. लो हाई लेवल में इसकी जो कैलकुलेशन है वो इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि इसको कन्वर्ट करना होता है, पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, और जो लो लेवल है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हुए होते हैं, इसीलिए उसके लिए एक स्टेप जो है वो छोड़ दिया जाता है, इसीलिए वो जल्दी एग्जीक्यूशन उसकी हो जाती है. उसके बाद है कि प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी, ये फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, इजी टू मॉडिफाई. इसको हम लोग इजी मॉडिफाई कर सकते हैं जबकि इजीली हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. अब देखें इसमें क्या वजह है. इसमें एक वजह यहाँ पर आ जाती है हमारे पास कि इजीली मॉडिफाई का मतलब होता है कि अगर आप उसको चेंजिंग करना चाहें या मजीद उसमें नया कुछ एनहांस करना चाहें प्रोग्राम को, मजीद कोई उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहे, ठीक है, कोई एरर वगैरह अगर आपके पास है तो एरर को भी आप रिमूव कर सकते हो. जबकि जो लो लेवल है, क्योंकि इसको समझना एक तो मुश्किल है, दूसरी बात है इनके एरर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए ही इजीली जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकते. उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल. डेफिनेटली इतनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि मशीन लैंग्वेज है इसीलिए हमें हार्डवेयर को देखना होता है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं. उसके बाद है कि एक तो डीप नॉलेज जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं होती इसके लिए, और जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है इसमें हमें डीप रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है. उसकी वजह ये है, देखें एक तो ये कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को एक मतलब प्रोग्राम आप कर लेते हैं तो क्यों उसके जो हेडर्स होते हैं, बाकी जो बॉडी होती है, डेफिनेटली बॉडी में जाके चेंजिंग होती है, हेडर में बहुत कम चेंजिंग करते हैं हम लोग, और उसका सिंटैक्स इजीली हम लोग वो कर लेते हैं, याद कर लेते हैं. लेकिन जो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसके हार्डवेयर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हार्डवेयर जो है ना रिक्वायरमेंट की होती है इसकी ज़्यादा होती है. उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर. इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो लाजमी बात है हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें ज़्यादातर काम हम लोग एप्लीकेशंस बेस रखते हुए मजीद एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं, और जबकि लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. लास्ट में हमारे पास है कि
These are many programmers of high level language. These are few programmers of low level language. तो अजान हो जाए, अजान के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। देखें, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको टेक्निकली तरीके से देखा जाए तो ये डिफरेंस हमें काफ़ी हद तक जो है वो नज़र आता है। देखें, ऑब्जेक्ट कोड जो है सोर्स कोड के बगैर नहीं बनता। सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट कोड बनता है। जब उसको मशीन लैंग्वेज में लेकर जाया जाता है, ठीक है, तो तभी यानी उसकी कंपाइलेशन होती है, उसके बाद ही वो ऑब्जेक्ट कोड हमारा बनता है। तो इसको देखते हैं ज़रा। सोर्स कोड क्या है कि आप प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। द सोर्स कोड कैन नॉट एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। इट इज कन्वर्टेड इन टू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सोर्स कोड जो हम लोग टाइप करते हैं, जो सी लैंग्वेज में जो आपको दिया गया होता है, आईडी दिया गया होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप उसको टाइप करते हो, अपने कोड को टाइप करते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। यानी अपने हेडर फाइल्स आपने लिखे हैं, उसके बाद मेन की बॉडी आपने मेंशन की है, उसके बाद बॉडी में आपने कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आपने दी, तो वो तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें जिसको आप टाइप कर रहे होते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करते हुए, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस लैंग्वेज की, तो उसे हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड के बारे में बताया जा रहा है कि अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। देखें, सोर्स कोड आपका बन गया, आपने उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर खुद ब खुद उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। ऑब्जेक्ट कोड से मुराद ऐसा कोड, यानी उसका एक नक्शा अपने पास, उसकी एक नकल जो है अपने पास रख लेता है, ताकि जब हम लोग उसको दोबारा कंपाइल करें तो उसमें जो थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, ठीक है, वो ओवरराइट हो जाती है, और उसके बाद नया प्रोग्रामिंग की जो एग्जीक्यूशन होती है थोड़ी सी हमारी फास्ट हो जाती है। तो ये फ़र्क था इन दोनों में। आगे हम लोग देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये सॉरी, सॉफ्टवेयर कोड नहीं है, सोर्स कोड है ये, ठीक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अभी हमने डिफरेंस हमें पढ़ा भी था, लेकिन दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये सोर्स कोड है सर। अच्छा, सोर्स कोड के बारे में ज़रा पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कि सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज डेफिनेटली, और ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर आप जो यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर कंपाइलर है, ठीक है, तो उसके थ्रू आपका लिखा जाता है। उसके बाद है कि सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में होता है, और उसके बाद सोर्स कोड क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में होता है, ठीक है, उसको डेफिनेटली मुश्किल होता है इसको समझना। उसके बाद है कि सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई, क्योंकि उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है, ठीक है, खुद उसको टाइप करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्योंकि मशीन बना देता है, इसीलिए हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कि सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। यानी कहने का मतलब ये है कि सोर्स कोड में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट कोड है उसमें बेतहा स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं बनिस्बत के सोर्स कोड के। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्राइब लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड ट्रांसलेटर एंड देयर यूज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अच्छा, देखें, अभी हम कंपाइलर इंटरप्रेटर वगैरह की हम बात कर रहे थे, ठीक है,
तो देखिए, हर लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसका अपना एक कंपाइलर होता है, उसका अपना इंटरप्रेटर, यानी उसका एक अपना ट्रांसलेटर होता है, और उस ट्रांसलेटर डेफिनेटली कुछ अभी मैं डिफरेंस आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखा हुआ कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम रिटन हाई लेवल इन असेंबली कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। आगे करें, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज, और एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स और ट्रांसलेटर। ठीक है, अभी जो मैंने आपको मैंने बात बताई है कि कंप्यूटर में जब हम लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद खुद ब खुद ये इसकी कंपाइलेशन नहीं हो रही है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होता वो, बल्कि एग्जीक्यूशन के लिए उसका अपना एक ट्रांसलेटर होता है जो कि आपके मशीन और यूज़र के दरमियान जो है वो रब्ता कायम रखता है। ठीक है, तो कंपाइलर के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कंपाइलर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ। देखिए, कंपाइलर आपका एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले पढ़ता है और उसके बाद आउटपुट आपको दे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ कि अ कंपाइलर प्रोग्राम इज कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। ठीक है, यानी अभी ये देखें, मैंने यही बात आपको बताई कि तमाम जितने भी आपके स्टेटमेंट्स उसमें लिखी होती है, जितना प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो तमाम के तमाम एक ही मरतबा उसको रीड आउट करके और उसके बाद उसकी एक कॉपी बना के वहाँ पर मशीन में उसको ले जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि अ कंपाइलर अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड और द मशीन कोड इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर ही। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स, यानी इसको हम बार बार कर सकते हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये लिखा यहाँ पर वो आपके सामने सोर्स कोड आ रहा है। ठीक है, सोर्स कोड कंपाइलर उसको उठाता है और कंपाइलर फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास कंपाइलर के बारे में है। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर एक दो चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं ज़रा, ऊपर वाली वही दोबारा रिपीटेड है। लिखा हुआ कि कंपाइलर ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेजेस ऑफ विच इज रिटन। आगे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम्स डेट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, बात समझ आ गई। और इंटरप्रेटर के बारे में उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कंपाइलर के। इसमें क्या होता है कि आपकी लाइन बाय लाइन, यानी एक लाइन को रीड आउट करता है, उसके बाद उसका आउटपुट देता है, फिर दूसरी स्टेटमेंट को या लाइन को रीड आउट करता है, फिर आपके जो है वो आंसर आपको दे रहा होता है। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है कि प्रोग्रामर कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, वन स्टेटमेंट, ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट को, एक लाइन को वो क्या कर रहा होता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और अगर कहीं वहाँ पर एरर आ जाए तो उसको प्रोग्राम को रोक देता है, पहले इसको ठीक करो उसके बाद। लेकिन सोर्स कोड में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें एक एक लाइन को नहीं करना होता। उसके बाद आगे कह रहा है कि इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी अभी जो मैंने बात बताई कि पहले आप उसको क्लियर करेगा तो नेक्स्ट पे जाएगा। इफ देयर इज एन एरर इन स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप द वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर ऑन मैसेज। तो ये भी बता चुका हूँ आपका, द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स ओवर कंपाइलर इज दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली। तो एडवांटेज इसका इंटरप्रेटर का ये है, कंपाइलर के साथ अगर किया जाए तो ये इमीडिएटली जो है वो एरर को फाइंड आउट कर लेता है, बनिस्बत के वो पहले प्रोग्राम को पढ़ता है, पढ़ने के बाद ही वो आपको दे देता है। तो लेकिन कंपाइलर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कहीं पर कुछ लैंग्वेजेस ऐसे भी है जिसका कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, ठीक है, दोनों ही होते हैं उसमें। तो आगे हमारे पास एक और है कि डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज जो है इंटरप्रेटर के इज डेट इज़ नॉट
वेरी एफिशिएंट होता है कि द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट कोड। अच्छा, मज़े की बात ये कि ऑब्जेक्ट कोड ये बनाता ही नहीं है, उसकी वजह ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाता क्योंकि एक एक लाइन को ये रीड कर रहा होता है। ठीक है, आगे असेंबलर लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबलर लैंग्वेज इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज क्योंकि मुश्किल थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या काम कर रहा होता है कि डेटे को जस्ट मैनिपुलेट करता है और उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सी लैंग्वेज को का देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। तो तब तक के लिए ज़्यादा अस्सलाम।